News 18, India. किस तरीके से अब ये प्रदर्शनकारी जो है वो वहाँ पर उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, आप ये समझिए, आपको ये तस्वीर में समझाऊं, जो घाघरा नदी है वहाँ पर उसके जो कॉर्नर्स लगे हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। अब क्या ये नीचे का रास्ता अपनाएंगे, क्या किया जाएगा? गग्गर नदी जो है उसके कॉर्नर्स जो है वो किस तरीके से वहां पर तोड़े जाने हैं कि जो वहां पर शील्स लगी हुई है अब उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये बहुत डरावनी तस्वीरें ये बताने के लिए कि ये प्रदर्शन आगे होता हुआ तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गग्गर नदी पर ये जो पुल बना हुआ है उसकी ये तस्वीर है। देखिए ये पुल को किस तरीके से तहस नहस करते हुए ये प्रदर्शनकारी। अब ऐसे में क्या एक बार फिर से पुलिस की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। और ये देखिए पुल का एक हिस्सा अब यही जो है कोशिश पहले भी की जा रही थी, बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो है अपनी अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो करने की कोशिश करें। और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन का एक अनोखा नमूना जो है इनकी तरफ से पेश किया जा रहा है। देखिए जो पुल के कॉर्नर्स है यानी कि ये जो घाघरा नदी पर पुल बना हुआ है इसकी जो शील्ड्स लगाई गई है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो वो किस तरीके से तोड़ी जा रही है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत जो है इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से शुरुआत की जा चुकी है। और अब ये देखिए अगर मैं देख पा रही हूँ तो दूर से देखिए पुलिस की तरफ से शायद पानी की बौछार की शुरुआत वहां पर की जा चुकी है क्योंकि पुल के ऊपर जो लोग मौजूद है ऊपर भी है और नीचे भी है जो धार साधिए। देखिए अब एक ड्रोन आया फिर से और एक बार फिर से आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जाएगा ताकि इन लोगों को हटाया जा सके। ये ड्रोन ये देखिए ये ड्रोन जो है अब यहाँ पर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करता हुआ और बहुत हाईटेक तरीके से जो है इस बार दोनों ही राज्यों की पुलिस ने ये कोशिश की है कि हम ये देखिए पानी की बौछार की शुरुआत वहां पर हो चुकी है यानी कि हर पैंतरा अपनाया जा रहा है ताकि कोई भी समस्या जो है वो ना हो। अब ये जब पुल तोड़ा गया तो आप इसे में समझिए कि कोशिश की है कि हाई लेयर सिक्योरिटी ये देखिए ये तस्वीरें बहुत डरावनी ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ प्रदर्शनकारी जो है कर रहे हैं। एक साथ दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल के साथ साथ पानी की बौछार की जा रही है लेकिन प्रदर्शनकारी हिलने को तैयार नहीं है, प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है लेकिन इस बार हटना ही होगा। जो तस्वीर आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे कितनी लेयर सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से लगाई गई है, जो आवाज आप सुन पा रहे धमाके की दरअसल ये आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सेफली जो है हर कोई पीछे हट सके। लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर आदेश है अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत आन पड़ती है तो लिया जाए लेकिन जनता को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार जो है केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थी कि हम जो है इन किसानों के साथ मीटिंग करेंगे और मीटिंग की भी गई। किसान सरकार की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया कि आप जो चाहते हैं हमें थोड़ा समय दीजिए लेकिन इस तरीके से दिल्ली चलो का जो कार्यक्रम है जो आंदोलन है वो ना किया जाए क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। बावजूद इसके आज पंजाब के ये किसान जो है पहुंच चुके हैं शंभू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से ये डरावनी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी अब आगे बढ़ते हुए और ये प्रदर्शनकारी अब पुल के जो हिस्से हैं उन्हें डैमेज करने उन्होंने जो है शुरुआत कर दी है अपने ट्रैक्टर के जरिए जो है पुल ये देखें डंडे जो है अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में पुलिस की तरफ से कोई बड़ा एक्शन जो है लिया जाए, हिरासत में तो लिया जा चुका है। देखिए आंदोलन वहां पर चल रहा है, नारेबाजी वहां पर चल रही है लेकिन पुलिस को यहां पर ये भी देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो, वहां पर किसी को कोई चोट ना लगे, इस बात को भी जो है पुलिस को ध्यान में रखना है। देखिए आप पुलिस की तरफ से पानी की बौछार की जा रही है, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है, कड़ाके की ठंड में जो है यहाँ पर फिलहाल आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल के साथ साथ तो ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल ये पानी जो है पानी की बौछार जो है ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, कोई सादा पानी नहीं है, ये केमिकल वाटर है, ये वो केमिकल वाटर है जिससे इनके शरीर में या आंख में जो है जलन होगी जिसकी वजह से शायद ये थोड़े से पीछे हो जाए। जिस तरीके से मेरे सहयोगी जावेद भी आपको दिखा रहे थे कि मैं सीधा मेरे सहयोगी चमन पिलानी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चमन, स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, क्या प्रशासन की तरफ से इस तरीके के आदेश दिए गए हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अगर लेने की जरूरत पड़ती है तो लिया जाएगा? अजी अनुपमा, देखिए जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार जो है वो हरियाणा की तरफ जो है बढ़ रहे हैं और हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है
फिलहाल जो है वहीं पर जो है प्रदर्शनकारियों को जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो है रोका गया है और लगातार जो है हरियाणा पुलिस के जो जो जवान हैं उनकी तरफ से जो है वो आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और अभी जो है वाटर कैनन भी जो है वो उनके ऊपर जो है छोड़ा गया है। जो वाटर कैनन है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें जो है एक केमिकल जो है वो डाला गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे ना बढ़े और उन्हें वहीं पर जो है वो पीछे हटने के लिए जो वो मजबूर हो जाए। लेकिन लगातार हरियाणा पुलिस की ओर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और वाटर कैनन यूज किया जा रहा है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से लगातार जो बड़े बड़े जो बैरिकेटिंग जो हरियाणा पुलिस की ओर से की गए थे उनको उखाड़ा जा रहा है और जो पुल के जो साइड में जो बैरिकेटिंग पुलिस की ओर से की गई थी वो भी जो है प्रदर्शनकारियों के जो द्वारा जो है वो पुल के नीचे जो है फेंकी जा रही है और लगातार पत्थरबाजी भी जो है वो जारी है। ठीक है चमन, बने रही है। एक बार फिर से दर्शकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें जिस तरीके से चमन बता रहे हैं, तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव भी दिखा रहे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले की, कुछ मिनट पहले की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बताती है कि प्रदर्शनकारी किस तरीके से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही इनके किसान नेता ने कहा था कि हम ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़े, लेकिन ठीक इसके उलट सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए प्रदर्शनकारी जो बता रहे हैं कि आगे जाके अगर जरूरत पड़ी तो ये किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। अगर राजधानी दिल्ली में एंटर कर गए तो ऐसे में समझिए प्रदर्शन जो है किस लेवल तक का जा सकता है। एक बार फिर से गौर से ये तस्वीरें देखिए और केमिकल वाटर का इस्तेमाल जो है वहां पर किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वहां पर किया जा रहा है। और जैसे कि मेरे सहयोगी लगातार जानकारी चमन दे रहे हैं कि ये जो वाटर है ये कोई सादा पानी नहीं है, ये केमिकल वाटर है। ये केमिकल वाटर का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये किसान किसी भी तरीके से पीछे हट सके, क्योंकि प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता है, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी की जाएगी, जरूरत पड़ी तो साथ ही कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे में हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये तो अभी आप सामने भी देख सकते हैं, देखिए तीन बैरिगेट तो आपको यहीं से नजर आ जाएंगे जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले बैरिगेट जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पीछे वाला बैरिगेट जहां पर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ठीक उसके पीछे बैरिगेट जिसमें वहां पर हजारों की संख्या में जो है पुलिसकर्मी मौजूद है। जहाँ पर आगे पहुँच गए हैं, जहाँ पर हरियाणा के प्रशासन वो गए थे, दूसरी तरफ से बैरिकेडिंग सुबह चंडीगढ़ हम हरियाणा से जब हम की तरफ से जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं और दूसरी रोड जब दिल्ली की तरफ से वापस आना होता है तो दोनों तरफ बहुत हैवी बैरिकेडिंग थी। और फिलहाल जो मेरे पास मैं बिल्कुल आगे से इस समय अराउंड जहां पर बैरिकेड को हटाया था बिल्कुल आगे पहुंच चुके हैं, जहां पर हरियाणा की तरफ से प्रशासन की तरफ से जो जवान लगाए गए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, तो वो तस्वीरें